हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आप लोग के साथ एक क्राफ्ट लेकर आई हूँ, तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने इस तरह का तार लिया है जो कि हमारे लोकल शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इस तार को हम थोड़ा सा लंबा कट करेंगे और बीच से फोल्ड करते हुए इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस पर फेविकॉल लगाएंगे और इस पर जो हमारे पास कागज़ है उसे हम चिपकाएंगे। आप इसके जगह न्यूज़पेपर भी चिपका सकते हैं। मेरे पास इस तरह की कॉपियां घर में पड़ी हुई थी, तो मैंने इस तरह से पेज को कट कर लिया और मैं इसी का यूज कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने इतने सारे स्टिक तैयार कर लिए हैं और इन सारे स्टिक को मैं ब्लैक कलर से कलर कर दूंगी। और जब इसका ब्लैक कलर सूख जाएगा तो मैं इसे गोल्डन कलर से कलर कर दूंगी। अब मैं एक पेन लूंगी और पेन पे इसे रखते हुए मैं इस तरह से इसे फोल्ड करूंगी। तो देखिए, फोल्ड होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसके बाद हम एक इस तरह का डब्बा लेंगे। आप ज़रूरी नहीं है कि ये नवरत्न तेल का ही डब्बा लें, आप इसके जगह कोई भी डब्बा यूज कर सकते हैं। ऊपर वाले हिस्से को हम कट करेंगे और इसे फेविकॉल की हेल्प से चिपका देंगे और उसके बाद उसे सेलो टेप से भी चिपका देंगे। दोनों साइड को चिपकाने के बाद हम ग्लू गन लेंगे और ग्लू गन की हेल्प से जो हमारे स्टिक हैं उसे हम इस पर चिपका देंगे। आप ध्यान दें कि आपने जो स्टिक बनाया है वो 6 बड़े, उसके बाद 6 उससे छोटे और उसके बाद जो 6 है उससे छोटे होने चाहिए। पीछे की साइड थोड़ी बड़ी और उसके आगे थोड़ी छोटी और उसके सबसे आगे जो है वो सबसे छोटी स्टिक होनी चाहिए। उसके बाद हम एक डब्बे में थोड़ा सा वाइट सीमेंट लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। घोल तैयार करने के बाद हमने जिस डब्बे पर इस स्टिक को चिपकाया है उसमें इसे डाल देंगे। इस घोल को इसमें डालने के बाद हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। ये 7 से 8 घंटे में अच्छी तरह से सूख जाएगा। इसके बाद हम इस तरह से चार्ट पेपर लेंगे और इस पर फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम इसे सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। मैंने इस तरह के 6 फ्लावर कट किए हैं, 6 इससे थोड़े छोटे कट किए हैं और 6 उससे भी छोटे कट किए हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से कट किए हैं। कट करने के बाद हम इन सारे फ्लावर को गोल्डन मेटैलिक कलर से कलर करेंगे। आगे की साइड पे हम डबल कोट करेंगे और पीछे के साइड पे सिंगल कोट करेंगे। जब हमारा गोल्डन मेटैलिक कलर सूख जाएगा तो हम साइड पे थोड़ा थोड़ा ये वाला मेटैलिक कलर इस पर कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो मेटैलिक कलर किया है वो अच्छी तरह से सूख गया है। तो इसके बाद हम एक पेन लेंगे और जो फ्लावर के किनारे हैं उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम एक बर्तन में पानी लेंगे और जो हमने स्टिक्स जमने के लिए दिया था वो अच्छी तरह से जम गया है, तो इसे हम इस पानी में डिप करेंगे और कवर को निकाल लेंगे। पानी में डिप करने से जो कागज़ है वो अच्छी तरह से फूल जाएगा और बहुत ही आसानी से इसमें से ये बाहर निकल जाएगा। उसके बाद सैंड पेपर की हेल्प से हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से सैंड पेपर से मिला लिया है। अब हम इसे कलर करेंगे। मैं इसे डार्क मरून कलर से कलर कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर से कलर कर सकते हैं। मैंने इस पे 2 कोट डार्क मरून कलर किया है और इसके बाद मैं यहाँ पे डॉट डॉट वाली प्रिंटिंग कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इस पे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो आप इस पे बनाएं। कलर करने के बाद मैं सारे फ्लावर को ग्लू गन की हेल्प से इस पे चिपका दूंगी। आगे आगे मैं थोड़े छोटे फ्लावर चिपकाऊंगी, इसके बाद थोड़े बड़े और जो सबसे बड़े फ्लावर हैं उसे मैं सबसे पीछे चिपकाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हमने सारे फ्लावर चिपका लिए हैं और ये हमारा क्राफ्ट बनके तैयार हो गया है।
देखिए ये बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत जल्द फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।